We will wait for just one more minute, and just then after that we okay can start. okay we can wait for a second minute or so. In the meantime, I will share the registration link with everyone, so you can fill it up. आप में से जितने लोग भी जुड़े हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट आप लोगों तक आ जाए. तो हमारे साथ बाकी लोग जुड़ गए हैं. आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. ओके ठीक. तो आज का ये वेबिनार, नेशनल वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. और जैसा कि विषय आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, अदर साइड ऑफ किसान बिल्स, फैक्ट्स, एप्रीहेंशंस एंड ओपिनियंस, पार्ट टू. पार्ट वन में हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो थी किसान बिल्स के ऊपर. केवल उसमें क्या फैक्ट्स हैं, क्या एप्रीहेंशंस हैं और क्या ओपिनियन किसानों की, लोगों की रही, उस विषय के ऊपर हमने एक लेक्चर किया था. और प्रोफेसर डॉक्टर लखविंदर सिंह, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के चेयरपर्सन थे, उन्होंने उस सारे विषय को अपनी दृष्टि से, इकोनॉमिस्ट की दृष्टि से उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था. और कई जगह उन्होंने कुछ ओपिनियंस का भी जिक्र किया था, जिनमें जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक डेंजरस लेवल की जो एप्रीहेंशंस हो सकती हैं उनके बारे में भी उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे. लेकिन उस सारे को हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसको हुए काफ़ी देर हो गई, लेकिन उस दौरान कुछ एक घटनाएं जो घटी, उन सब घटनाओं को देखते हुए और जो हम लोगों के माइंड्स में इम्प्रेशंस पड़े इन सब चीज़ों को लेकर के, वो सारी चीज़ों ने हमें एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर किया है कि ये जो विरोध हो रहा है और उन विरोध करने वालों को जो समर्थन मिल रहा है, वो सारा समर्थन आ कहाँ से रहा है और आ कैसे रहा है. सरकार ने अपना पक्ष रखा या सरकार बिल्कुल ही इस तरह की है जिसको कोई सोच समझ नहीं है और वो डायलॉग में विश्वास नहीं रखती. तो ये सारी बातें लेकर के कई सारे जो इश्यूज हैं वो हम आज चर्चा में लाएंगे. किसी भी इशू को लेकर के हम तुरंत एक अपनी ओपिनियन बना लेते हैं, फैक्ट्स हमारे पास हो या ना हो, और वो ओपिनियन जो है वो एप्रीहेंशंस पे निर्भर करती हैं, आशंकाएं होती हैं कि कल को ऐसा हो जाएगा, कल को वैसा हो जाएगा. ये आपकी एप्रीहेंशंस और ओपिनियंस होती हैं. ओपिनियन ये भी होती है कि भी मोदी से बुरा कोई नहीं, और ये भी ओपिनियन होती है कि भी मेरे से अच्छा कोई नहीं. इस तरह की बहुत सारी इश्यूज हैं. लेकिन जब हम एकेडमिक डिस्कशन में आते हैं, एकेडमिक डिस्कोर्स में आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उन तथ्यों को सामने रखना पड़ता है. और तथ्य बहुत सारे डाटा से आता है. तथ्य जो हैं वो आपके स्टडीज और साइंटिफिक मेथड से आते हैं. उसके आधार पर आप आगे की जो पॉलिसीज वगैरह डिजाइन करते हैं. इस तरह की सारी बातें हैं जिसे आप सभी लोग समझते हैं. तो भूमिका को ज़्यादा लंबे नहीं करते हुए दो तीन बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ. तीन बिल जिनके नाम बहुत लंबे लंबे हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसे आप संक्षेप में प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन वाला है एक बिल, दूसरा जो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट है बिल जो है वो अब तो एक्ट ही बन चुके हुए हैं, और फिर जो है तीसरा जो है एसेंशियल कमोडिटीज वाला है. ये तीन नाम है, नाम कई बार याद नहीं रहते, लेकिन और ज़्यादातर मैंने ये देखा जितने लोगों से मैंने बात की, लोगों को नाम भी नहीं पता और अंदर का कंटेंट भी लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ. ये एक बड़ी हैरानी की बात रही. अब इस ये जो
बात मैं अपनी रख रहा था उसको ज्यादा प्रिसाइसली और टू द पॉइंट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये तीन चार प्रश्न रख रहा हूँ, ताकि इस वेबिनार का जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो हम डिफाइन कर सकें। उसके बाद हमारे जो दो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे साथ बात करेंगे लगभग 25-30 मिनट के लिए। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बेसिस डाटा हिस्ट्री इंटेंशंस ऑफ दीज बिल्स, ये बड़ा एक फंडामेंटल सा सवाल है जब हम एकेडमिक डिस्कोर्स में आते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट आर द फैक्ट्स डाटा बेस्ड एंड प्लानिंग बेस्ड, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इतनी मूर्ख तो जड़ नहीं होती कि वो बिना सोचे समझे कोई भी चीज लागू कर देगी, कुछ ना कुछ होगा जिसे हमें जो है जिसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए। तीसरा है व्हाट आर द एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग लैंड मंडी सिस्टम किसान प्रॉफिट होर्डिंग प्राइस राइज ETC ETC, ये तीसरा सवाल है डिपार्टमेंट की ओर से। चौथा है व्हाट आर द ओपिनियंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स किसान पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज कॉरपोरेट ETC रिगार्डिंग दीज बिल्स। तो ये चार फंडामेंटल सवाल हैं जिन्हें मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान में रख करके आज की बातचीत को बढ़ाएंगे तो उसका कोई ना कोई परिणाम हम निकाल पाएंगे। अब कुछ क्वेरीज और भी हैं जो मुझे पर्सनल लेवल पे भी हमेशा लगती रही हैं, और ये तब भी हमने ये सवाल रखा था कि व्हाट मेक्स वन थिंक दैट पीएम मोदी सो नैव दैट ही विल गो अगेंस्ट द फार्मर्स इंटरेस्ट, आपको कौन सी ऐसी हरकतों से लग रहा है कि भाई वो किसानों का जो है अहित करके उसको लगता है कि वो राज चला लेगा या पॉलिटिकल पार्टी के रूप में दोबारा आ जाएगा, या उसका कौन सा ऐसा पर्पस सर्व होने जा रहा है कि भी फार्मर्स को भूखे मारेंगे और खुद जो है हम राज करेंगे। एनीवे आप उसको अपने तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। व्हेन इंडिया वाज एग्रीरियन कंट्री, ये मेरा एक प्राइम कंसर्न है और मैं जरूर चाहूंगा जब हमारी चर्चाएं शुरू हों, व्हेन इंडिया वाज एग्रीरियन कंट्री देन व्हाई इकोनॉमिस्ट्स chose market economy over the agrarian economy and then what outcome was expected from the market forces, ye bill market forces ki wajah se aa rahe hain, to aapne ye economic system chuna hi kyun, aapke fundamentals desh ke fundamentals hi galat hain, ye siddh karte hain ye virodh। aur teesra ek sawal aur hai, is it not a fact that the group of economists proposed bills these bills based on some data and other group of economists oppose the same conclusions, ye to economist versus economist ki ladai mujhe lagta hai ki ho rahi hai ki kyunki government ke paas bhi nishchit roop se koi na koi is tarah ke economist honge aur udhar se jo virodh karne wale hain jinme particularly communist aur ye baki log secularist aur particularly jo khalistani movement ke log jo in kisan andolan ke sath jude in sab logon ke jo apne conclusions hain unka data kya hai या वो केवल अप्रीहेंशंस हैं, तो इन चीजों को भी हम ध्यान में रखें। इसलिए जो और फंडामेंटल एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके ऊपर हमने कई सेमिनार्स किए कि सेंसिबल इकोनॉमिक्स क्या हो सकती है। आप कभी जीडीपी की ओर ले जाते हैं, फिर कभी मार्केट इकोनॉमी पे ले गए, कभी किसी इकोनॉमी पे ले गए, ये सारी बातें आप लोग करते रहे हैं, लेकिन एक सेंसिबल इकोनॉमिक्स क्या हो सकता है जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको हम लोगों ने प्रपोज भी किया था और जिसके ऊपर काफी डिस्कशंस भी हमने आयोजित की। तो दो तरह की इकोनॉमिक्स है, एक मार्केट इकोनॉमी है और एक एग्रीरियन इकोनॉमी है, जिसका आपको प्राचीन लिटरेचर में, पुराने लिटरेचर में, ट्रेडिशनल लिटरेचर में, और जितने यहाँ पे जो यात्री आए, फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उन्होंने एग्रीरियन इकोनॉमी के बारे में बात की है और जिस तरह की संपन्नता और बाकी चीजें रही हैं वो उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, लेकिन हमारा इतिहास ही हमें ऐसे पढ़ाया गया है कि हम शायद इस देश के सबसे निकृष्ट लोग हैं, पिछड़े हुए थे, और मार्केट इकोनॉमी जो कि महायुद्धों के, जो वर्ल्ड वॉर्स की प्रोडक्ट है, उसकी वजह से जो मार्केट इकोनॉमी है उसको हम आज कितना उसकी डोमिनेंस हो गई है वो आप लोग सभी जानते ही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सेंसिबल इकोनॉमिक्स की आवश्यकता इस वक्त है, जिसमें हम लोगों में ये सेंस पैदा कर सकें, गवर्नमेंट में, पब्लिक में, कि हाउ मच इज नीडेड एंड यू डोंट नीड मोर
मोर देन दिस। सो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए इस सारे पर्सपेक्टिव में हम किसान बिलों का जो दूसरा पक्ष है, विरोध का पक्ष तो हमने समझ लिया, वो तो पिछली बार हमने अच्छे से समझ लिया और वो खुद इकोनॉमिस्ट बड़े अच्छे सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े प्रतिष्ठित हैं, मैं स्वयं उनका बहुत आदर करता हूँ, तो उनसे हमने इस सारे को समझा था। लेकिन गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, गवर्नमेंट कहाँ से ये इसको इस तरह से हमारे सामने ला रही है लोगों के बीच में, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में श्री धर्मेंद्र सिंह रावत जी, जो पिछले 22-23 साल से जो है हाई कोर्ट में लॉयर हैं, ही इज़ अ सीनियर लॉयर इन हाई कोर्ट चंडीगढ़, और इसके अतिरिक्त उनके अपने जो रुचियां हैं उनमें पॉलिटिकल एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, आप उनके ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख पाएंगे उनके वक्तव्य में, जब व्हेन ही प्रेजेंट्स हिज व्यूज एंड ओपिनियंस एंड फैक्ट्स, तो आप सभी ये चीज़ें देख सकते हैं। हम उनका डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री और रिसर्च सेंटर की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसमें प्रेजिडेंशियल कमेंट्स करने के लिए हमने सादर आमंत्रित किया है श्री अजय भारद्वाज जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ में, कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे और अपने स्वतंत्र लेखन भी करते रहे और बहुत अच्छे विचारक भी हैं, और आप जब उनकी बात सुनेंगे तो यू विल फाइंड हिम सो कूल व्हाइल प्रेजेंटिंग हिज व्यूज। तो लगभग 25-25 मिनट दोनों वक्ताओं के पास रहेगा और उसके बाद जो है इट विल बी एन ओपन हाउस डिस्कशन, यू कैन आस्क क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन गिव योर ओपिनियन, यू कैन गिव सम फैक्ट्स आल्सो, इट्स अप टू यू। अनिल जी प्लीज अपना माइक ऑफ रखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के हमारा लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, तो मैं इन सारी बातों के साथ अभी आप सभी श्रोताओं का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और आज के दोनों जो वक्ता हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्री धर्मेंद्र सिंह रावत जी को कि वो इसकी जो अदर साइड है उसके बारे में हमें बताएं कि ये किसान बिल का जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें। सर थैंक यू। सर जैसा कि क्लियर है कि ये 3 एक्ट्स हैं, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा एजिटेशंस भी हो रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020 से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020, लेकिन अगर हम जो मेन नाम है आपको नंबर 2 पे दे रखा है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। अब मैं इससे स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेसिकली जो फार्मर्स के अंदर जो फार्मर लीडर्स हैं, जो डर पैदा किया हुआ है, जो एप्रिहेंशन पैदा की हुई है, वो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को लेकर की गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट से किसानों के अंदर जो बेचारे मासूम है, जो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, उनके दिमाग में ये बिठाया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब वो आपके साथ आकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी तो वो उनका टारगेट एक ही होगा कि किसी भी तरीके से आपकी जमीन पे कब्जा करना। तो इस डर से कि हमारी जमीन को कोई कब्जा ना कर ले, वो लोग एजिटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस एक्ट के अंदर क्या वाकई में ऐसे प्रोविजंस हैं कि जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं, वो इसके किसानों की जमीन पे कब्जा कर सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है और इसी को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा है कि नहीं। अब अगर आज की डेट में हम देखें, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब स्टेड है सुप्रीम कोर्ट से, उससे पहले हम चले जाते हैं 2020 से, तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं थी। बड़ी बड़ी जो फूड कॉर्पोरेट, फूड के से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जैसे पेप्सी है, आपकी ये रामदेव की कंपनी है, ये आपके नेस्ले है, ये और भी कई काफी सारी कॉर्पोरेट्स ऐसी हैं जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह में काम करती हैं,
वो ट्राइब के साथ फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती थी। लेकिन आज की डेट में इस इन एक्ट आज की डेट से मेरा मतलब है कि इन एक्ट से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था कोई फार्मर, तो उसको किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं थी, क्योंकि कोई एक्ट ही नहीं था इस इशू के ऊपर। एक्ट ना होने के कारण अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता था, मान के कोई भी किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट, और मान के चलो कि फार्मर के ऊपर कोई पेनल्टी पड़ जाती है, कोर्ट कोई पेनल्टी डाल देता है, तो 2020 से पहले कंपनी उसकी जमीन भी नीलाम कर सकती थी। यानी कि जो डर इस एक्ट के बाद दिखाया जा रहा है फार्मर्स को, वो इस एक्ट के बिना एक्चुअल एक्चुअल में थ्रेट है। आज की डेट में इस एक्ट को अगर हम बाहर कर देते हैं तो फार्मर्स को कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है जी, इसलिए फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट इस एक्ट को लाई। अब सबसे पहले मैं वो सेक्शंस रीड डाउन करूंगा जो सेक्शंस फार्मर्स को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जो मर्जी कैसे भी हालात हो जाएं, फार्मर्स की लैंड को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आई विल रीड आउट सेक्शन 8 एंड सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। इट सेज सेक्शन 8 आई एम रीडिंग आउट, नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ए एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल लीज एंड मॉर्गेज ऑफ द लैंड और प्रमाइसिस ऑफ द फार्मर। तो सेक्शन 8 ए स्पेसिफिकली कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फार्मर के बीच में और कंपनी के बीच में इस एक्ट के अंडर, वो किसी भी लिहाज से जमीन का जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे रिलेटेड नहीं होगा, ना खरीद हो सकती है उसकी, ना उसको लीज पे उठाया जा सकता है, ना मॉर्गेज की जा सकती है। एक्सक्लूसिवली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके ऊपर जो उपज है, जो जो भी उपज है, गेहूं है, चावल है, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस जो है, फार्मिंग प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस से ही रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 15 के ऊपर। सेक्शन 15 क्या कहता है? अब जैसा कि मैंने बताया कि आज अगर हम इन एक्ट के से पहले हम चले जाएं और कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है फार्मर और कंपनी के बीच में, और कोई कोर्ट रिकवरी डाल देता है फार्मर्स के ऊपर, फार्मर बहुत छोटा है, 1 एकड़ वाला है। आपको बता दूं मैं, इंडिया के अंदर 85% जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग जो है वो 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम है, 85% है कम से कम। तो किसी 1 एकड़ वाले के ऊपर मान के चलो कोई ज्यादा पेनल्टी डल गई, 50,000 की डल गई, 1,00,000 डल गई, और वो दे नहीं सकता, तो कंपनी उसके ऊपर मुकदमा डाल के उसकी जमीन भी कुड़क करा सकती है आज की डेट में। लेकिन इस एक्ट ने क्या कहा? इस एक्ट ने स्पेसिफिकली उसको प्रोटेक्शन दी कि इन केस कोई ऐसे हालात हो जाते हैं बाई चांस कि उसके ऊपर, किसान के ऊपर वायलेशन की कोई पेनल्टी पड़ जाती है, तो सेक्शन 15 उसको प्रोटेक्शन देता है कि भी किसी भी हालत में एग्रीकल्चर लैंड से रिकवरी नहीं की जा सकती। आई विल रीड आउट सेक्शन 15। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 14, नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दैट सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ द फार्मर। किसी भी हालात में फार्मर की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं की जा सकती। सो 101% प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द फार्मर विद रेस्पेक्ट टू हिज लैंड।
एग्रीकल्चर लैंड से पे ऊपर 100% प्रोटेक्शन दी जा रही है, जबकि जो फार्मर लीडर्स हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपकी जमीन चली जाएगी, जिसके कारण ये एजिटेशन चल रहा है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर कई चीजें जो और भी हैं, जैसे मैं आपको एक दो सेक्शंस और बताऊंगा। सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 के अंदर उन्होंने एक मिनिमम गारंटेड प्राइस का प्रोविजन रखा हुआ है। सेक्शन 5 ए के अंदर आज की डेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान के चलो कि कोई फसल खराब हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, या जो उसकी क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है, और जो कंपनी है वो रिफ्यूज कर देती है कोई भी बहाना बना के कि भी हम ये प्रोड्यूस नहीं ले रहे, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन सेक्शन 5 इसके अंदर कहता है कि आपको एक मिनिमम, जब आप एग्रीमेंट करोगे तो एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट आपको रखना पड़ेगा जो आपको फार्मर्स को देना ही देना है। सेक्शन 5 भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ ए फार्मिंग प्रोड्यूस मे बी डिटरमाइंड एंड मेंशनड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ, एंड इन केस सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन देन सच एग्रीमेंट शैल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर अ गारंटीड प्राइस टू बी पेड फॉर सच प्रोड्यूस। एक गारंटी दी गई है फार्मर को कि वो एग्रीमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाले कि मिनिमम आपको ये देना ही देना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है ताकि फार्मर को कोई दिक्कत ना हो और वो उसको सिविल कोर्ट में धक्के ना खाने पड़े, तो इसलिए कोई भी अगर डिस्प्यूट राइज होता है तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने की पावर इन्होंने SDM कोर्ट को दे दी, और SDM को स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर अंदर विद इन 30 डेज वो डिस्प्यूट अराइज डिसाइड करना है, और अगर विद इन 30 डेज वो डिस्प्यूट अराइज नहीं अपना डिसाइड नहीं अपना डिसाइड कर देता है, उसके बाद जो अपील जाएगी सर अपील भी विद इन 30 डेज आपको डिसाइड करनी है। अब जनरली फार्मर्स को क्या बताया जा रहा है, जो फार्मर लीडर्स बता रहे हैं कि आपकी तो जो सिविल कोर्ट में जाने की का राइट था वो राइट ही ले लिया गया, आप तो कोर्ट ही नहीं जा सकते, जबकि ऐसा नहीं है। सिविल कोर्ट्स के अंदर सभी को, आप लोग सभी को पता होगा जो भी यहां बैठे हुए हैं, कि 6-6 महीने की तो तारीखें लग जाती हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल रूटीन है केस डिसाइड होने में, इसलिए ताकि कोई फार्मर को अननेसेसरी कोर्ट्स के धक्के ना खाने पड़े SDM को पावर दी गई है, और SDM 30 दिन का कंपलसरी किया गया SDM के SDM को कि 30 दिन के अंदर अंदर वो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन देगा, उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करेगा, और इवन अगर उसकी अपील फाइल होती है तो अपीलेंट को जो कोर्ट होगा उसको भी डायरेक्शन, उसको भी एक इसके अंदर प्रोविजन डाला हुआ है कि उसको भी विद इन 30 डेज ही डिसाइड करनी पड़ेगी। और रही बात के भी हम उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, कोई भी अगर इस तरह के जो लॉज होते हैं जहां पर सिविल कोर्ट्स बार्ड होती हैं, वहां पे हमेशा हम अपीलेट अथॉरिटी के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भी हम हायर कोर्ट में से जा ही नहीं सकते। इन केस मान के चलो कि भी अगर कोई SDM या DC जो भी उसकी अपीलेट अथॉरिटी है वो गलत फैसला दे देते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में जा सकते हैं। और हमारे शायद शहर के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा, हमें लगता है कि भी जो शहर के लोग हैं जो टोटली गांव से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो लोग सोचते होंगे कि शायद वाकई में एक इंजस्टिस किया गया है, जबकि ये इंजस्टिस नहीं है। आज भी जो मोस्ट ऑफ द रिवेन्यू मैटर्स हैं वो तहसीलदार कोर्ट या SDM कोर्ट में ही लगते हैं, आज भी, चाहे नंबरदार का है, नंबरदार से रिलेटेड मैटर है, चाहे कोई पंचायत से रिलेटेड मैटर है, वो स्टार्टिंग उसकी तहसीलदार कोर्ट या SDM कोर्ट ही होती है, उसके बाद वो कमिश्नर लेवल तक अपील में जाते हैं और उसके बाद फिर हाई कोर्ट आते हैं। तो जितने भी बहुत से रिवेन्यू मैटर्स हैं, इरिगेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं,
वो सारे के सारे ऑलरेडी इन्हीं कोर्ट्स में लगते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अगर कोई क्वेश्चन, या बाद में करना है वो सेशन? जी वो बाद में रखेंगे रावत जी। अच्छा ठीक है, तो हाँ। शॉर्ट में कुछ और बताना है किसी का, फिर भी कोई सवाल हो मीनवाइल तो वो कर सकता है। नहीं, वो क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी रहेगा ना। ठीक है ठीक है जी। अच्छा, इसके मुकाबले हम पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट के पंजाब के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है 2013 में नोटिफाई हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी सर, ये जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया, इसके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन कर ही लेते हैं सर, उसके बाद आपको कोई भी सवाल होगा आपको पूछ ले। तो इसके मुकाबले अगर हम पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 में जाते हैं, तो वहां पे इस तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है एब्सोल्युटली फार्मर्स को जमीन से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं ले सकते। वहां पर अगर कोई फार्मर भी कोई वायलेशन करता है तो उसके ऊपर 5 लाख तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है, और अगर वो पेनल्टी देने में नाकामयाब रहता है तो उसकी वही जो मैंने बताया कि जमीन भी कुड़क हो सकती है। जबकि जो सेंट्रल का फार्मिंग एक्ट है 2020 का, वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है कि भी किसी भी हालत में एग्रीकल्चरल लैंड से रिकवरी नहीं की जा सकती, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो बेसिकली है वो 1955 का है, 2020 में उसमें अमेंडमेंट की गई है। अब 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उस वक्त के हालात के हिसाब से लाया था। उस वक्त क्या हालात थे 1955 में, कि हमारे कंट्री के अंदर फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, और उस फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज के कारण होर्डिंग ना हो सके, ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 नोटिफाई किया। उससे क्या हुआ कि भी गोडाउंस, आप गोडाउंस नहीं डेवलप हुए हमारे कंट्री में, कोल्ड स्टोरेजेस डेवलप नहीं हुए, प्राइवेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस नहीं बने। गवर्नमेंट ने तो बनाए वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस, लेकिन प्राइवेट कोई भी वेयर हाउसेस नहीं बने। आज की डेट में 2021 में या 20 में हम जब पहुंच चुके हैं, तो हमारे को फूड ग्रेन्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की और स्टोरेज की परमिशन भी दे दी। उसका रीजन क्या है, मेनली रीजन ये है कि हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, गोडाउंस बने, कोल्ड स्टोरेजेस बने और वेयर हाउसेस बने। अब इनका फायदा क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जून है, जून के महीने में टमाटर वगैरह 10-10 रुपए किलो बिकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इवन मटर जो है, जैसे मटर जो है आपका 150 रुपए किलो बिकता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो अब हम पहले जून पे आ जाते हैं। टमाटर आपने देखा होगा जुलाई के अंदर, जून में 10 रुपए किलो, बारिशें हुई, अचानक वो 100-150 रुपए किलो हो जाता है। रीजन क्या है कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम को हम स्टोर, जब तक उसको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी वो खराब हो जाएगा। रिजल्ट ये होता है कि जो वो किसान है, किसान उस वो अपनी कमोडिटी को 1-2 रुपए किलो उसको बेच देता है, और बाद में जो इलीगल होल्डिंग करते हैं और उसको बेचते हैं बाद में, वो उस पर मुनाफा कमाते हैं 150-150। तो ना कंज्यूमर को फायदा होता है और ना ही फार्मर को फायदा होता है। लेकिन अगर प्रॉपर कोल्ड स्टोरेजेस हो, गोडाउंस हो, वेयर हाउसेस हो, जहां पे किसान अपनी उसको संभाल के रख सके अपनी प्रोडक्शन को,
तो जून में अगर कोई उसको कहता है कि भाई हम तो 1 रुपया देंगे तेरे को, तो 1 रुपये में अपना सामान भेज दे, वो मना कर देगा। वो कहेगा सॉरी भाई, 15 दिन बाद जुलाई आ रहा है, बारिशें शुरू हो जाएंगी, टमाटर की उपज बंद हो जाएगी, मैं अपना टमाटर तब बेचूंगा, मैं अभी क्यों बेचूं जब मुझे पता है। वो कोल्ड स्टोरेज इसका रेंट दे देगा और जुलाई के अंदर अपने टमाटर को 10 की बजाय 20 या 30 रुपए जो भी उसको रेट मिलेगा वो बेचेगा। प्लस जो कंज्यूमर को अचानक वो 100 रुपये, 125, 150 रुपये तक वो मिलता है टमाटर, वो टमाटर उसको 50-60 तक ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज में एनफ टमाटर पड़ा हुआ है। वही हम और चीजों के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं रखा है, गवर्नमेंट ने फिर इसके उसके बावजूद भी इसके ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर इसमें प्राइस अचानक बढ़ जाता है, 1.5 गुना बढ़ जाता है, तो हम दोबारा से एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट उसके ऊपर लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो लगा देगी। ठीक है, अब तीसरे एक्ट पे हम आ जाते हैं। तीसरा एक्ट हमारा जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड, हाँ जी हाँ जी, एंड कॉमर्स, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी से एक्ट 2020, जिसको हम शॉर्ट में एपीएमसी एक्ट भी बोल सकते हैं, एपीएमसी एक्ट या मंडी एक्ट बोल देते हैं। तो इसमें हमारे को क्या किया गया है कि हमारे को फार्मर को कहीं भी अपनी जमीन और सॉरी अपनी प्रोड्यूस बेचने का राइट दे दिया गया, जो अभी तक नहीं था। अभी तक हम अपनी जो ऑथराइज्ड मंडीज होती हैं, उन मंडीज के अंदर ही हम अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे। कोई भी फार्मर है अपनी प्रोड्यूस सिर्फ और एक्सक्लूसिवली उन मंडीज में ही बेच सकता था जो ऑथराइज्ड थी। लेकिन इन जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 है, उससे बॉर्डर्स जो स्टेट बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए गए हैं, और कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या कोई भी फार्मर जो है वो अपनी प्रोड्यूस को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जहां उसको बेटर प्राइस मिलता है वहां वो बेच सकता है। ठीक है, और आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो इसी चीज के लिए पहले फार्म एजिटेशन हुआ करते थे। 2008 के अंदर एक काफी बड़ा फार्म एजिटेशन हुआ था, विच वॉज लेड बाई मिस्टर भूपेंद्र मान, या उससे पहले जो एजिटेशन हुए महेंद्र सिंह टिकैत ने जो लीड किए हैं, वो इसी ग्राउंड के ऊपर लिए हैं कि जब सभी को कोई भी कंपनी है उसको अपना माल बेचने का, उसका प्राइस फिक्स करने का राइट है, तो फार्मर को वो राइट क्यों नहीं। गवर्नमेंट कौन होती है कि फार्मर की प्रोड्यूस का, जो फार्मर की जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उसका रेट फिक्स करे, हम क्यों ना करें। और जब मार्केट को ओपन किया गया, मार्केट को खोला गया, तो उल्टे एजिटेशन हो रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में कि भाई ये ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसके अंदर भी कई चीजें प्रोटेक्शन दी गई हैं फार्मर्स को। फॉर एग्जाम्पल कि जो पेमेंट है वो विद इन 3 डेज सारी पेमेंट करनी है, मैक्सिमम 3 डेज। अगर 3 डेज के अंदर प्राइवेट ट्रेडर फार्मर को पूरी पेमेंट नहीं करता है तो बकायदा पेनल्टी का प्रोविजन रखा हुआ है, 5 लाख तक का जुर्माना ट्रेडिंग कंपनी को हो सकता है। वही प्रोविजन इसके अंदर भी वही रखा हुआ है कि SDM के पास प्रोसीडिंग्स चलेंगी और SDM को वो मैटर विद इन 30 डेज डिसाइड करना पड़ेगा, और आगे जो अपील DC वगैरह को जाएगी वो भी विद इन 30 डेज डिसाइड करनी है। और फिर मैंने जैसे बताया कि जहां पर काफी सारे एक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे जो पावर्स हैं वो SDM या DC को दे रखी होती हैं, तो वहां ऐसा नहीं है कि भी हम कोर्ट नहीं जा सकते, बार्ड है, वहां पे हम उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं चैलेंजिंग द ऑर्डर्स पास बाय SDM एज वेल एज DC। तो कोई कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट बार्ड नहीं है, अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके बाद आप हाई कोर्ट आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब शॉर्ट में मैंने बता दिया, बाकी कोई भी अगर सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।
रावत जी अभी सवाल नहीं लेंगे क्योंकि अभी दूसरे स्पीकर जो हमारे साथ अजय भारद्वाज जी हैं उनसे भी हाँ बात करके फिर ये ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा। ठीक है, ठीक तो सवाल जवाब हम तभी करेंगे। ठीक है, जा सकते तो जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपने कि इस सारे मसले को बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये जो सब सेक्शंस हैं इनके बारे में नहीं पता होगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि समय को हम थोड़ा सा ध्यान रख के ही सारी बात कर रहे हैं कि आज के प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स के लिए श्री अजय भारद्वाज जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ में उनसे मैं अपेक्षा ये करूंगा कि ये तो फैक्चुअल बात हो गई क्योंकि ही इज ए लॉयर, निश्चित रूप से वो तथ्यों पे ही सारी की सारी बात करेंगे। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट यू विल हैव ओपिनियंस, पब्लिक ओपिनियंस, perceptions and many other things, apprehensions also. So how do you look at all this on this issue? So I will request you to share your views on this, sir. Shri Ajay Bhardwaj ji. Thank you, Ashutosh ji. Meri awaaz theek hai? Ji, ji, ji. Aap sabhi mahanubhavon ko mera namaskar wa abhinandan. मैं आभारी हूं कि मुझे इस मंच पे अपने विचार रखने का अवसर दिया गया है। मेरे से पूर्व वक्ता धर्मेंद्र जी ने काफी विस्तार से बिलों की जानकारी दी है, काफी प्रकाश डाला है उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। तो मैं इस सारे इश्यू को इन वाइडर पर्सपेक्टिव आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर हैज कम ए लॉन्ग वे। यू नो वी नो इन 50s एंड 60s इंडिया वाज ए फूड स्केर्सिटी नेशन। हमें फूड ग्रेन बाहर से मंगाना पड़ता था, यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन का व्रत रखने का भी हमें आग्रह किया ताकि हम किसी तरह से अन्न बचा सकें। सो ओवर द इयर्स टुडे वी हैव बिकम अ फूड ग्रेन सरप्लस स्टेट कंट्री rather। तो ये एक बड़ी लंबी यात्रा रही है और इसमें किसान का योगदान जो है वो सराहनीय है, एक्सेप्शनली सराहनीय है। तो जब इस सारी चीज को देखा जाता है तो उसमें एक अंडरलाइनिंग फैक्टर विच इमर्जेस इज दैट फूड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड इन द लास्ट डिकेड्स। लेकिन किसान का जो प्लाइट है, किसान का जो फेट है, किसान का जो दशा है, किसान का जो भाग्य है, वो दिन ब दिन बदतर ही होता गया। 70s 80s में हम जानते हैं किसानों को बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में एडवांटेज हुआ, बहुत फायदा हुआ। लेकिन ओवर द इयर्स जैसा अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि लैंड होल्डिंग्स जो है वो बहुत कम हो गई। मेरे मुताबिक आज 80% फार्मर्स आर होल्डिंग अबाउट 2 acres ऑफ लैंड। सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इंक्रीजिंगली बिकेम ए वेरी अनवायबल प्रोफेशन। और यही कारण है कि हमने देखा अभी पिछले कुछ वक्तों से हम देख रहे हैं कि किसानों का इंडेटनेस जो है, किसान जो है वो कर्जे के नीचे कितना दब गया है। उस कर्जे के नीचे दबने से या अन्य कारणों से हाउ मेनी सुसाइड्स हैव टेकन प्लेस। वी आर ऑल अवेयर एवरी डे एवरी सेकंड डे वी वुड रीड इट इन द न्यूज़पेपर्स दैट फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड, दिस फैमिली हैज कमिटेड सुसाइड, दैट फैमिली हैज कमिटेड सुसाइड। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत दर्दनाक स्थिति बन गई थी ऑलरेडी। तो इस सारे परिपेक्ष में इन बिलों का उद्भव होता है, दे टेक बर्थ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये बिल कोई ओवरनाइट नहीं आए हैं। देयर हैज बीन ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स ओवर द इयर्स कि फार्मर की जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए। फार्मर ने प्रोड्यूस कर ली है, उसकी जो पीस ऑफ लैंड है इट हैज रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट।
वो उससे ज्यादा उसमें प्रोड्यूस शायद नहीं कर सकता। आज भी जब हम देखते हैं कि पंजाब में रेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इज -1 इन सम डे इन सम इयर्स, और अगर कभी थोड़ा बहुत चलता है तो इट कम्स टू अराउंड 0.25, 0.5 दैट काइंड। हरियाणा में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वहां पे अभी स्कोप ऑफ कल्टीवेशन काफी है। तो ऐसे हालात में मार्केटिंग का जो फैक्टर था उस पे सरकारों ने सोचना शुरू किया। मैं सरकारों शब्द इसलिए कर रहा हूं प्रयोग कि ये सिर्फ मोदी सरकार का आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर काम किया जाए या इसके ऊपर विचार किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 2001 में एक शंकर लाल गुरु कमेटी बनी थी जिसका काम ये था कि ये इन्वेस्टिगेट मतलब ये दिस कमेटी हैड टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हाउ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैन बी मेड मोर एफिशिएंट। सो द एफर्ट ऑफ वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग आई वुड लाइक टू अंडरलाइन हियर स्टार्टेड ऑलमोस्ट 2 decades बैक, और इसके बाद जब वाजपेयी गवर्नमेंट चली जाती है तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट भी इसी लाइन पे काम करती है और उसी दिशा में काम करती है। दे ऑल्सो वर्क ऑन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एस्पेक्ट ओनली। तो उसमें एक मॉडल APMC एक्ट आता है 2003 में। APMC मतलब है कि मंडियों का एक्ट है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज। 2003 में, वे बैक इन 2003 इट केम एंड मेनी स्टेट्स अडॉप्टेड इट वेरी स्पॉन्टेनियसली इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम एक्सेट्रा। देयर वाज नो ह्यू एंड क्राई ऑन इट, इट ऑल हैपेंड साइलेंटली एंड स्मूथली। उसके बाद शरद पवार जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी जो कांग्रेस के सीएम थे वो मेंबर थे। तो इस तरह से काफी सीएम्स को मिला के 6 CM से शायद उनकी कमेटी बनाई कि इसके ऊपर काम किया जाए। तो उस समय में भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कुछ रूल्स चेंज किए गए जिनको काफी स्टेट्स ने अडॉप्ट किया गया, और कुछ ने पूरे मन से अडॉप्ट किया, कुछ ने आधे मन से अडॉप्ट किया। बाद में जब मोदी गवर्नमेंट आती है, मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में दलवाई कमेटी बनाई। दलवाई इज ए वेरी सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तो उनके नाम पे कमेटी बनी 2017 में। ये कमेटी का काम था एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर क्या ऑप्शंस हैं, कैसे इसको वर्कआउट किया जा सकता है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट जो थी, फर्स्ट रिपोर्ट, इट वॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो इन्होंने रिपोर्ट दिया या जो इन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट किए, उसके अंदर न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट एक आया था 2017 में। तो वो अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन 11 स्टेट्स अडॉप्टेड इट कंप्लीटली एंड 6 स्टेट्स अडॉप्टेड इट पार्शली। मतलब देर वॉज नो डिफाइंस, देर वॉज नो अप्रोर, देर वॉज नो हल्ला गुल्ला, and there was a unanimity also. I mean, if one state is adopting it and 11 states are adopting it, we can understand that there must be a beneficial aspect to it, which was perceived and understood by all these states. Fir wo dalwai committee ne jab market apna banaya iska marketing ka, to second report banane ke liye 2018 mein dalwai committee ko fir ye zimmedari di gayi। उस पे उसे कहा गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एस्पेक्ट्स को स्टडी कीजिए, उसके क्या आयाम हैं, उसमें क्या इम्प्लिकेशंस हैं, उसमें कैसे हम इसको प्रो फार्मर बना सकते हैं ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो। तो उसने एक दलवाई कमेटी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर काम किया, अपना एक व्यू पॉइंट बनाया, अपनी एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट सारी स्टेट्स को सर्कुलेट हुई फॉर ओपिनियन। Every state gave its own opinion. Leaders ko communicate hui. All stakeholders were requested to participate in it, and they did. And it happened in 2018. To ye sara prayas jo ek chal raha tha, uske tehet hi 2020 mein, June mein,
तीन ऑर्डिनेंस लाए गए। जून में वो ऑर्डिनेंस आते हैं और सितंबर में दे आर पास बाय द पार्लियामेंट एंड दे बिकम बिल। तो ये सारी बैकग्राउंड में आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि ये एक प्रयास जो है, ये चिंतन जो है, ये अभी कोई नया नहीं पैदा हुआ था, ये पहले से ही चल रहा था और काफी अरसे से चल रहा था। तो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बिलों की जो फाइनर न्यूएंसेस हैं उन पे प्रकाश डाल ही दिया है, तो मैं ज्यादा नहीं उस पे अपना कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर है, जैसा उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर सीन में, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। पंजाब में क्योंकि मैंने काफी कवर किया है तो मैं जानता हूं कि वहां पे कई नेस्ले है या कुछ काफी है, मतलब अमरिंदर ने खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक बड़ा इनॉग्रेशन किया था मनमोहन सिंह को बुला के। मुझे साल ही याद नहीं आ रहा, मनमोहन सिंह है, अमरिंदर है, तो आई डोंट नो व्हिच ईयर वाज इट। सो देयर वाज नथिंग रॉन्ग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ए वे ऑफ लाइफ इन पंजाब। मैं जानता हूँ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़ी बड़ी जमीने हैं, वो ठेके पे जमीन देते हैं, कभी मजदूर को ठेका दे देंगे, कभी किसी को ठेका दे देंगे, खुद तो आई डोंट थिंक बिग लैंडलॉर्ड्स एवर वर्क ऑन द फील्ड्स, सो दे गिव इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन पंजाब और पर से इन हरियाणा और एनीवेयर एल्स फॉर दैट मैटर। और इसी तरह से अब जो मंडियों का बिल आया है जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, तो मंडियों का बिल अगर लाया गया है तो इसलिए लाया गया है कि किसान एक आढ़तिया और एक मंडी के चक्कर में बंधा हुआ था काफी अरसे से। एक ही मंडी में वो जा सकता है, एक ही आढ़तिये के पास जा सकता है, लेकिन इस बिल ने किसान को एक वाइडर स्कोप दिया है, एक वाइडर फील्ड दिया है कि यू कैन गो बियॉन्ड दीज मंडीज, यू कैन गो बियॉन्ड आढ़तियाज, यू कैन एक्सप्लोर द वाइडर मार्केट, एंड इफ यू फाइंड ए बेटर बायर यू कैन गो फॉर इट, वेदर ही इज विद इन द स्टेट, विद इन द सिटी और वेर एवर ही इज। सो फार्मर इज फ्री टू यू नो गेट इन टच विद ए पर्सन हु इज प्रिपेयर्ड टू गिव हिम मोर रेम्यूनरेशन फॉर हिज क्रॉप। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मुझे वैसे तो धर्मेंद्र जी ने काफी बता दिया है कि देयर इज टेक्निकली नथिंग रॉन्ग, ऑल फियर्स हैव बीन क्रिएटेड, एंड ये मार्केटिंग आढ़तियों वाला सिस्टम भी ऐसा है, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि इट वॉज ओनली बिकॉज क्रॉप्स लाइक टोमेटो एंड अदर क्रॉप्स विच यूज टू पेरिश एंड फार्मर्स वुड नॉट गेट एनीथिंग सो इट केम अबाउट। सर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक मिनट सर, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार दोबारा डिफाइन करना, ठेके पर देना जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होता है सर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक किसान द्वारा किसी दूसरे मजदूर को या किसान को ठेके पर देना कल्टीवेशन के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एज फार एज आई थिंक सर। ऑल राइट, आई विल अप्रिशिएट इफ यू इंटरफेयर आफ्टर द कॉन्वर्सेशन। सॉरी सर, आई नो आप बहुत उत्सुक हैं, मतलब जब से धर्मेंद्र जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कुछ कहा है तो आप अपनी उत्सुकता के लिए थोड़ा संयम रखेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं सर, वो एक्चुअली मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ। नहीं सर चिंता की बात नहीं है, देखो सर ज्ञान है। इस तरह से डायलॉग में डिसरप्ट करना भी थोड़ा शालीनता नहीं लगती। आप ऐसे ही माइंड कर गए क्योंकि ठेके पे देना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो एक कोई नहीं मैम, अभी अच्छा सुनिए इसको कर लेंगे अभी क्लियर कर लेंगे। मैं देखिए मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं पत्रकार हूँ, बड़ी मुश्किल से रिदम बनाया था, आपने तोड़ दिया। प्लीज कंटिन्यू सर, सो वी विल टेक आवर क्वेश्चंस लेटर। थोड़ा सा संयम रखिए, आपकी सारी जो भावनाएं हैं उनको हम ध्यान रखेंगे। तो अब एक नई, मतलब मैं एक और जिस बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है या मंडियों वाला बिल है, इट इज नॉट टेम्परिंग विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो सिस्टम ऑलरेडी चला आ रहा है उसको वो टेम्पर नहीं कर रहे हैं, उसको वो डिसरप्ट नहीं कर रहे हैं। दीज बिल्स आर नॉट कंपल्सरी फॉर द फार्मर्स टू फॉलो। हमें ये बात बड़े क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि दीज बिल्स आर फैसिलिटेटर्स,
these bills are not mandatory for farmers to follow. अगर ये बिल आ गया है तो जरूरी नहीं है कि मंडी से बाहर जाके ही फार्मर ने अपना अनाज बेचना है. अगर ये बिल आ गया है तो जरूरी नहीं है कि फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ही जाना है. ये ऑप्शन है, ये एक उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम में से ऑप्शन दी गई है कि अगर आप चाहो तो ये प्रक्रिया भी कर सकते हो और इसमें आपको कानूनी सुरक्षा मिलेगी. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है बिल्स के बारे में, जो मुझे लगता है कि बहुत मिसकंसेप्शन आम आदमी में फैला हुआ कि ये बिल आ गए हैं तो ये किसान के ऊपर तलवार लटक गई है और ये तलवार जो है वो किसान का घान करके रहेगी. दीज बिल्स आर फैसिलिटेटर्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस. दीज बिल्स आर नॉट कंपल्सरी ऑन द फार्मर. तो इस सारी स्थिति को इस संदर्भ में मैं रख रहा था. और अब जो नैरेटिव बना हुआ है, नैरेटिव बना हुआ है प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के थ्रू, वो जैसे पहले धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक फियर पैदा कर दिया गया कि फार्मर की लैंड चली जाएगी. अब जब मैं कह रहा हूं कि ये ऑप्शनल है फार्मर के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे जाए या ना जाए, अगर उसको भय है कि मेरी जमीन चली जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट पे मत जाए. देयर इज नो लॉ व्हिच इज बाइंडिंग ए फार्मर टू गो ऑन कॉन्ट्रैक्ट. अब एक बात ये रही, ये फियर जो है फार्मर्स के अंदर जानबूझ के पैदा किया गया है. मैं जानबूझ के शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जो नेता इसको अग्रणी होकर लीड कर रहे हैं, दे ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द बिल, बट दे हैव डिस्टॉर्टेड द नैरेटिव. दे हैव डिस्टॉर्टेड द नैरेटिव, जैसा आशुतोष जी ने पहले कहा, क्योंकि बिल्स की जानकारी किसी को नहीं है, बिल्स के बारे में पढ़ा किसी ने नहीं. हाहा हल्ला गुल्ले में एक इमोशनल नैरेटिव बना दिया गया, एक सेंटिमेंटल नैरेटिव बना दिया गया है फार्मर्स को लेके, बिकॉज पंजाब इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर स्टेट. सो फार्मर्स की भावनाएं यहाँ पे कहीं भी हो, फार्मर चलो पंजाब का हो चाहे आंध्र प्रदेश का हो चाहे कहीं भी हो, फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग पीपल, दे आर मोर ग्राउंडेड पीपल, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट पीपल, सो यू कैन प्ले विद देयर सेंटिमेंट्स वेरी इजीली. And that was one reason perhaps they committed suicides also in such a large scale, because they didn't have manipulation, they couldn't do manipulations in their lives to, you know, make their hands meet and all those kind of things. So is saare mein jo ek kisan is a naive character, so mujhe lagta hai he is being exploited now by the distorted narrative. Abhi MSP ka factor ek beech mein aa gaya. अब तीनों बिल्स में कहीं एमएसपी शब्द का नजदीक क्या कहते हैं पास पास में, देयर इज नो मेंशन, देयर इज नॉट इवन अ शेड ऑफ इट, लेकिन हम एमएसपी को नैरेटिव बना के ले आए, एमएसपी कंपलसरी होनी चाहिए. अब मुझे ये थोड़ा सा हास्यप्रद लगता है कि एमएसपी के बारे में सरकार ने जब पहले तो कुछ कहा ही नहीं था, ठीक है, अब सरकार ने अगर कमिटमेंट दे दी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो हाउ इज इट रेलेवेंट एनी मोर. तीसरी बात जो मेरे मन में आती है, बार बार आती है, कि पंजाब में फार्मर्स को अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फ्री पानी मिलता है, तो क्या कल को पंजाब का फार्मर खड़ा होके इसके लिए लॉ मांगेगा कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए? ए फैसिलिटी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम to help him in his profession, to help him in his produce, should there be a law for everything? MSP after all is not a law, it is an administrative order. To mujhe lagta hai ki sara jo narrative hai ye politicized hai, facts se bahut pare hai, aur isko ab main zyada isko matlab bilkul minutely na kahun ki anti modi ek narrative banane ka prayas kiya ja raha hai. हरियाणा में जहां तक मुझे पत्रकार के रूप में समझ आता है, फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हुड्डा के लोग हैं, हुड्डा के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो अप्रोर क्रिएट कर रहे हैं. पंजाब में जो लोग अप्रोर क्रिएट कर रहे हैं, दे वी ऑल नो दे आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड दे हैव बीन सिटिंग आइडल, एंड इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू रियलाइज कि देयर वर 32 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोटेस्ट. Punjab, which is just 23 districts, and from many districts, I don't think these 32 organizations have even a single representative. But suddenly, jab ye protest shuru hua,
तो 32 ऑर्गेनाइजेशन मशरूम्ड एंड वी हैव देम ऑल ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑन द रोड्स. तो ब्रॉडली बस मेरा यही कहना था कि ये जो नैरेटिव है दिस हैज बीन डेलिबरेटली डिस्टॉर्टेड. और ये बिल्स जो हैं दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द फार्मर्स टू फॉलो, इट इज ऑप्शनल. ये गलत इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि आपका ये बिल आ गए हैं तो आपको ये ही करना पड़ेगा. दिस इज जस्ट एन ऑप्शन विच हैज बीन गिवन टू द फार्मर्स एंड विद द वेरी राइट इंटेंशन एंड विद द वेरी पॉजिटिव इंटेंशन. अब गलती क्या हुई है सरकार से, जो मुझे लगता है गलती ये हुई है कि जून में ऑर्डिनेंस के रूप में इन बिल्स को नहीं लाने की जरूरत थी. ऑर्डिनेंस आप तब लाते हैं जब कोई इमरजेंसी मेजर लिया जाता है, तब आप ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर पार्लियामेंट सेशन की वेट करते हैं तो उस ऑर्डिनेंस को आप बिल में कन्वर्ट करते हैं. तो जून में आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, सितंबर में उसे बिल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द हरी इन इट. ये मुझे लगता है सरकार की गलती थी. दूसरी गलती जो मुझे लगता है वो ये थी कि इन बिल्स को पार्लियामेंट में पास विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन एंड डिबेट कर दिया गया. दे वर पास्ड इन ए हरी. मतलब अगर आपने बिल पेश किया है तो लेट द नेशन डिबेट अबाउट इट, लेट द नेशन टॉक अबाउट इट, लेट वेरिड ओपिनियंस कम अबाउट इट. आपके पास मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, आप उसे सितंबर की जगह नवंबर में पास कर सकते हैं, दिसंबर में पास कर सकते हैं, लेकिन जिस हरी से पार्लियामेंट में पास किया गया ये मुझे लगता है सरकार की गलती थी. तीसरी गलती जो सरकार की मुझे अब लग रही है एज ए जर्नलिस्ट, वो ये है कि सरकार ने जिस नैरेटिव से इन बिल्स को आर्टिकुलेट किया है, जिस मंशा से बनाया है, उसके बारे में एजुकेशन, यू नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट इट, यू नीड टू टॉक टू देम अबाउट इट, यू नीड टू विन देम ओवर अबाउट इट. अगर आपने हरिडली बिल पास कर भी दिया है तो उसके बाद आपका एक डायलॉग होना चाहिए विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट विद द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स. प्रोटेस्टिंग फार्मर्स तो ठीक है वो अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एक डिबेट ओपिनियन बनानी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री, इनवाइटिंग यू नो ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स, इनवाइटिंग ऑपोजिशन लीडर्स, इनवाइटिंग फार्मर लीडर्स ऑफ स्टेचर फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो. तो उनके साथ डिबेट करके उनको एजुकेट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट इट एंड दीज आर ऑल बीइंग मिसलेड एंड मिस नरेटेड बाय द प्रोटेस्टर्स. तो ये तीन चार गलतियां सरकार की तरफ से भी हुई हैं मुझे लगता है. तो ब्रॉडली बस दीज वर द आइडियाज दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच अजय जी, यू हैव ब्रिलियंटली डेलिब्रेटेड ऑन दिस इशू और इसके कितने सारे प्रोस एंड कॉन्स आपने जो है बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है, उसके लिए सचमुच आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ. बड़ी सधी हुई जर्नलिस्टिक भाषा में आपने सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम ओपन हाउस डिस्कशन, वी कैन ओपन अप द हाउस फॉर डिस्कशन. You are welcome to share your views with both the speakers. Dharminder ji, aap bhi please apna mic unmute kar lijiye. Madam Harvinder, mujhe lagta hai ki we should start with your queries or objection or clarification. Dr. Harvinder ji? Ji, sir. Ji, please. Please go ahead. सर मेरा वही क्वेश्चन है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूछना चाह रही थी अजय सर से. मुझे लगता है इसके बारे में लॉयर जो हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे. सर वो दोनों ही अलग अलग वर्जन था ना, इसीलिए मुझे लगा थोड़ा नहीं बोर्डिंग क्या है. नहीं अलग नहीं है आपका. एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आपका मैडम का क्वेश्चन? अभी आपने कहा जैसे कि पंजाब में आपके मित्र हैं जो वो बड़े बड़े जमींदार हैं, ठेके पर जमीन देते हैं और वो बड़े खुश हैं. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वहाँ सदियों से चला हुआ है, तो वो सर कैसे मतलब ठेके पर जमीन देना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या धर्मेंद्र सर ने जैसे एक्सप्लेन किया वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, दोनों में से क्या है सर ये? मैं बता दूं जरा धर्मेंद्र जी प्लीज. हाँ जी हाँ जी. नहीं सर धर्मेंद्र सर का मैंने सुना था, वो आपका थोड़ा वर्जन डिफरेंट लगा, मुझे लगा शायद आप कुछ और भी बताना चाह रहे हैं. जी जी जी, मेरे वर्जन में कोई मुझे पर्सनली कोई इतना डिफरेंस नहीं लगा.
शब्द तो है ठेके पे देना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिंदी का नहीं, शब्द नहीं, या नहीं सर, का ठेके पर देना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठेके पर देना नहीं है सर। दोनों में फर्क है मैम। हमने लखविंदर सर सुना था अभी थोड़ी पहले, उनके अकॉर्डिंग ठेके पे देना नहीं होता है, डीलिंग है एक। और ये ठेके पे तो देखो फार्मर मजदूर को दे सकता है, दूसरे फार्मर को दे सकता है, ये डीलिंग है उस डीलर के साथ जो आपकी फसल को लास्ट में खरीदेगा खेत में से ही। और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि फसल का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, देखो नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, फसल में बारिश अच्छी हुई तो शायद वो आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा, उसका वो हेल्दी दाना होगा। बट अगर वही कहते हैं ना सूखा पड़ जाना, जिसको हरियाणवी में या पंजाब में कहते हैं सूखा पड़ गया, जिस अकाल आ गया, तो फसल का दाना अगर उस अकॉर्डिंगली नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, फिर वो डीलिंग में दिक्कत आ जाती है सर। मान लो आशुतोष जी मुझे कोई टास्क देते हैं कि हरविंदर ये काम करो, आपको इसके लिए इतने पैसे मिलेंगे, और फिर सर कहे कि नहीं ये लाइन यहाँ पर ठीक नहीं है, ये सर्दियाँ ठीक नहीं है, फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जब मैंने अपने मित्रों का एग्जांपल दिया तो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि एक क्रूड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इट इज इन प्ले क्रूड फॉर्म में। अब बिलों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बिलों ने उस चीज को रिफाइन कर दिया है, उस चीज के कुछ ऐसे पक्ष हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए थे, वो उनको एक जामा पहना दिया गया है फॉर्मल। लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्रूड और इनफॉर्मल मैनर में ठेके पे जमीन देना एक प्रथा है और ये काफी देर से चल रही है। वो ठीक है, आपकी बात में एक डायमेंशन जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब बड़े किसान ठेके पे देते हैं तो मजदूरों को ठेके पे देते हैं, हु आर वीकर देन देम, बट नाउ देयर इज एन ऑप्शन दैट यू कैन गिव इट on a contract to a person who is more powerful economically, तो आप उस dimension को देखने की कोशिश कर रही हैं, जो कि एक narrative बनाया गया है, कि कोई narrative जरूरी नहीं है कि हम अपने से ज्यादा powerful को दे रहे हैं। और ये जो narrative, ये जो bill है, ये bill जो है, ये पहले ही decide कर देगा कि एक एकड़ है और इसमें से मुझे 1,00,000 मिलेंगे, उसमें से 1,00,000 आपको मिलेंगे ही, फसल चाहे अच्छी होती है या बुरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही राशि तय हो जाएगी। और मैं अगर धर्मेंद्र जी गलत नहीं हूं, मेरी जानकारी में हो सकता है कमी हो, देयर इज अ टाइम बाउंड पेमेंट व्हिच द पर्सन हु इज टेकिंग इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट हु हैज टू मेक द पेमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। अगर 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि 10 दिन के अंदर पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्टर ने, तो वो 10 दिन में ही करनी है। वो ये नहीं है कि वो पहले फसल देखेगा, फसल की क्वालिटी देखेगा, फसल में से कितनी रिटर्न आई है वो देखेगा। नो, everything is decided before the contract takes off right from the day one, right from the moment one. abhi jo pratha chal rahi hai wo badi ek casual hai aur bade ek main kahunga informal aur bade crude to nahi shabd theek hai lekin ek chal to rahi hai moti si baat hai. okay, we have one question from Sri Nivasan Krishnamurti ji. Sir, will you like to speak up for this or should I read it? Yes, sir. Please carry sir, on. Sir, the question is that the speaker mentioned that the form bill is not mandatory and it is not compulsion. The farmers has got the option. But unfortunately, he was only speaking in favor of the government but not the farmers. Why? Because I feel there is a death trap that the corporate giants are just waiting like crocodiles to swallow the farmers' produce products and make artificial demand. Your voice is not coming. And this make this. I mean, he says he has put up his question in the chat box. The corporate giants like crocodiles. Wait, I think he wanted to crocodiles. Something. Okay. Let me address.
Srinivasan ji, I am not speaking the language of the government. I have also pointed out the flaws which the government has done. Number two, the bills are not compulsory. If you are presuming that corporates are waiting, farmers have every right to keep them off. They are not going to hold farmers by their neck and ask them, get into contract with me. If I'm a corporate, for example, if I'm Ambani and Dani or whatever you call me, this bill does not give me any right to go to a farmer and hold him by his collar and tell him that please come on and execute this contract. It is optional for the farmer to go in contract. It is optional for the farmer to go to any mandi. So let us not distort the bills and the spirit of the bills. Your sentiments are respectful. Your sentiments are, they have a place in society. But as far as bills are concerned, they are optional and there is nothing mandatory in the bills about. Thank you, sir. मैं इसमें एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा. जी. जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, पेप्सी करती है, नेस्ले है, और भी ऐसी काफी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग कर रही हैं. तो बेसिकली वो फार्मर्स जो ऑलरेडी इस ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको ये बिल जो है ये प्रोटेक्शन दे रहा है, जो अभी तक उनको ये प्रोटेक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वो हरविंदर कौर मैडम ने जो सवाल किया था कि अगर कोई फसल उसके खराब हो जाती है मान के चलो, तो क्या उनको प्रोटेक्शन है या नहीं है? उनको प्रोटेक्शन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर आपको एक स्पेसिफिक क्लॉज डालोगे कि इतना मिनिमम तो प्राइस मिलना ही मिलना है. तो वो जो मिनिमम प्राइस है वो उसको प्रोटेक्शन देता है फार्मर को. सर, जो ये हरियाणा में एक मेजर प्रॉब्लम है, इतना जो शुगर केन की फसल है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है सर. ठीक है जी. तो अब उसकी पेमेंट की बड़ी दिक्कत रहती है सर फार्मर्स को. जैसे कहा कि इमीडिएटली पेमेंट विद इन 10 डेज 1 वीक मिल जाएगी, बट सालों से पेमेंट्स नहीं मिलती, पेमेंट नहीं मिलती किसानों को. इसीलिए तो मैडम ये बिल लाए गए हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. नहीं सर, उन्हीं चीजों को अपोज कर रहे हैं. कैसे कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियर फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी जब ऑलरेडी है, जब फार्मर्स को उनकी प्रोडक्शन की पेमेंट नहीं मिलती, सालों तक नहीं मिलती सर. महीने दो महीने की बात नहीं, कई सालों तक पेमेंट नहीं आती. और मैं इसकी सर बिल्कुल साफ गवाह हूँ, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से भी हूँ. मैं हवा से बात नहीं उठा रही हूँ सर. ना ना ना, बिल्कुल ठीक है आपकी बात. हाँ, तो मैं इस बात को खुद जानती हूँ कि वाकई में दो दो साल पेमेंट नहीं. हाँ, बिल्कुल ठीक है, यूपी के अंदर भी यही है. इसीलिए मैडम मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ऐसा जो भय है, तो जो देखो सर, सरकार ने कहीं ना कहीं तो ट्रिक चली है. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जब लॉकडाउन है सर, आपकी मैंने सवाल सुन लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए. जी जी सर. अभी तक कोई एक्ट नहीं था, इसीलिए ऐसा हो रहा था कि साथ साथ दो दो साल पेमेंट्स नहीं मिल रही थी. अब उन्होंने एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली 3 दिन का क्लॉज डाला है कि 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट्स देनी है. अब आप केस डाल सकते हो उनके अगेंस्ट. अगर 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं होती है तो स्पेसिफिकली पनिशमेंट का भी प्रोविजन है. 5 लाख तक का जुर्माना उस कंपनी के ऊपर हो सकता है जो आपको 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं देता है. अभी तक कोई एक्ट ही नहीं है, कोई लॉ नहीं है. जब लॉ या कोई एक्ट नहीं है, तो इनकेस अगर कोई डिले हो जाती है कोई पेमेंट किसी कंपनी की तरफ से, तो आप उसके अगेंस्ट क्या केस करोगे? कुछ भी नहीं. आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एग्रीमेंट है, आप एक्सक्लूसिवली उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही कोई केस डालोगे, वो भी सिविल कोर्ट में, जिसमें सालों लग जाते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफिकली जो एक्ट्स हैं वो बनाए हैं ताकि किसानों को प्रोटेक्शन मिले. जी, आप इन एक्ट्स के बाद वाली सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं जो एक्ट्स के बिना वाली सिचुएशन थी. नहीं, अभी तक फार्मर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं है. देखिए, अब तो एक्ट बने हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया, सेम प्रॉब्लम आज भी है सर. स्टे है मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है. ओके, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इन एक्ट को स्टे कर दिया था इन फार्म एजिटेशंस के कारण, और एक कमेटी बनाई थी जिसमें मिस्टर अशोक गुलाटी थे, मिस्टर भूपेंद्र मान थे, और एक मिस्टर जोशी थे महाराष्ट्र के, और शायद एक आधे और 4 मेंबर्स थे टोटल. और मीनवाइल उन्होंने स्टे कर दिया था.
अब जो जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट ऑलरेडी 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है, लेकिन अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस लिस्ट नहीं हुआ है फॉर फाइनल डिस्पोजल। तो सर जब ये कमेटीज बनाती है सरकार या बिल आएगा तो जो फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव थे उनका कोई भी ऐसा वर्ग जो उनको रिप्रेजेंट कर सकता है उनको कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो कमेटी बकायदा सभी ऑल ओवर इंडिया फार्मर्स से उनका ओपिनियन या उनके कमेंट्स लेकर उसके ऊपर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराएगी। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी में से तो एक दो मेंबर ने रिजाइन भी कर दिया था। इसने वो तो प्रेशर बनाया ना कि पंजाब में अगर उनके घर के आगे आप रोलर अप्पा डालोगे तो वो रिजाइन करेगा ही। ओके चलिए मैम उसे क्या लेना देना ना। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल जो आपका भला करना चाहता है या कोई रिपोर्ट आपके जो भी है डिसाइड कर देना चाहता है, अगर आप उसके घर के आगे रोलर अप्पा डालोगे तो वो कहेगा कि मुझे क्या लेना देना यार ऐसी जैसी करा ली तो रिजाइन ही रिजाइन। चलिए ठीक है और भी अब सवाल ले लेते हैं। अदरवाइज मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जो मिस्टर भूपेंद्र मान थे वो ये नहीं था कि वो बीजेपी के थे, वो कांग्रेस से एमपी रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं था कि वो कोई गवर्नमेंट के आदमी थे। या डॉक्टर अशोक गुलाटी हैं जो उसके मेंबर हैं, डॉक्टर अशोक गुलाटी अभी कोरोना टाइम्स में एक मनमोहन सिंह के अंडर एडवाइज इकोनॉमिक कमेटी बनाई थी अमरिंदर सिंह जी ने, उसके अशोक गुलाटी मेंबर थे। ओके एक सवाल मेरा ख्याल है कि सौरभ के द्वारा है। सर आई हैव अ क्वेश्चन टू धर्मेंद्र सर रिगार्डिंग द मंडी सिस्टम। सर अभी सरकार के नए बिल के अकॉर्डिंग किसान के पास फैसिलिटी है कि वो किसी भी मंडी में जाके या किसी भी कॉर्पोरेट के पास जाके अपनी जो फसल है उसको सेल कर सकता है। मंडी में नहीं है जी, किसी भी मंडी में नहीं है, मंडी से बाहर रखा गया है। मंडी के बाहर भी किसी को भी सेल कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अभी उसको रेट बाहर ज्यादा अच्छे मिले और वो सरकारी मंडियों में जाना बिल्कुल बंद कर दे, तो इन फ्यूचर ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई एक्ट लाके उन गवर्नमेंट मंडीज को ही बंद कर दे ताकि जो पूरी इकोनॉमी है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाए। मंडी बंद नहीं होगी, रीजन पता क्या है, आज की डेट में भी जो पीडीएस सिस्टम चल रहा है, पीडीएस सिस्टम के में काफी सारे लोगों को अबाउट 50-60% जो लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट अनाज फ्री में या सस्ते दाम में 1 रुपया 2 रुपया जो भी है उस कीमत में बांट रही है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को वो प्रोड्यूस उठानी ही पड़ेगी, तो प्राइवेट ट्रेडर से नहीं उठाएगी, वो फार्मर से ही लेगी मंडी। नहीं सर अगर जैसे फार्मर के पास चॉइस है कि वो अगर देना चाहे तभी दे सकता है, अगर उसको बेटर प्राइस बाहर मिलेगा तो वो मंडी में नहीं देगा सर। तो माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट नहीं पता है, ऐसा है कि अगर क्या हम आप ये चाहते हो कि भी फार्मर को कम मिले। मैं धर्मेंद्र जी जवाब दे सकता हूं। हाँ जी हाँ सर, वैसे ये शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन है कि एफसीआई को और इनको एपीएमसी को अनबंडल कर दिया जाए, और ये जो लॉ बने हैं उसी कमेटी की सजेशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बने हैं, शांता कुमार कमेटी है। अच्छा अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी अजय जी देखिए मैंने जो अपना उद्बोधन बहुत भारी रूप से शुरू किया था वो इसी से शुरू किया था कि देर हैज बीन ए लॉन्ग जर्नी दैट इंडियन एग्रीकल्चर हैज कम अबाउट इन द लास्ट 70 ईयर्स। ये जो मंडियां बनाई गई थी, ये जो सारा सिस्टम बनाया गया था तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया गया था। उस वक्त किसान को प्रोटेक्शन चाहिए थी, किसान को प्रोटेक्शन चाहिए थी और मार्केटिंग सिस्टम एक इवॉल्व किया गया ताकि फूड स्केर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो कंट्री एड्रेस कर सके। वो 70 साल पुराना, आपको पता है एपीएमसी जो एक्ट है वो 1960s का है। हम अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारी इतनी हो गई है, हमारा एग्रीकल्चर का दृश्य बदल गया है, हमारा सिनेरियो चेंज हो गया एग्रीकल्चर का, हमारी जमीन हमारी खादें हमारा बीज हम सब लोग मतलब ये एक्ट सारे 60s के बने हुए हैं। एमएसपी जो है ये भी 60s में आया था, मेरे स्वामीनाथन जब डायरेक्टर थे उसके ऑल इंडिया एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के, परहैप्स आई जस्ट अ गेस। तो अब
हमें थोड़ा बहुत किसान के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम किसान को उस छतरी के ही नीचे रखेंगे जिस छतरी में 70 साल रहते रहते उसने कर्जे उठाए हैं और सुसाइड्स किए हैं, उसकी जमीन हार चुकी है देने के लिए, 2-2 एकड़ की जमीन है, किसान के पास संसाधन नहीं है उस जमीन का कुछ और प्रयोग करने के। तो क्या हमें सारे दृश्य को एक नई दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? क्या हमें सिर्फ उसी दृष्टि से देखना चाहिए? एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जो थी वो उसने बहुत अच्छा काम किया, उस प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के तहत हमें ग्रीन रेवोल्यूशन मिला और उसी प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के साथ साथ जो था किसान ने मेहनत की, किसान ने आज हमारे देश को फूड ग्रेन सरप्लस कंट्री बनाया, ग्रेटफुल टू मतलब एंटायर नेशन ओज ए लॉट टू द फार्मर्स, ए लॉट। ये उसी कर्जे का नेशन जो है चुकाना चाहती है कि उस किसान को एक नई हवा मिले, एक नई दिशा मिले, कोई ताजी हवा का झोंका मिले उस बेचारे को जो बेचारा 70 साल एक ही सिस्टम के अंदर रह गया है। तो हम उसको इतनी डरी डरी आंखों से और इतने भयानक सीन हम उसके लिए बना रहे हैं कि वो आएगा वो खा जाएगा। अरे भाई, पंजाब में मेरी जानकारी के मुताबिक 14 गांव ऐसे हैं जो आज भी उन्होंने घर गांव के सामने बोर्ड लगाया हुआ है, दिस विलेज इज फॉर से, ये पिंड बिकाऊ है, क्योंकि उस पिंड के जो लोग हैं वो खेती करते रहे हैं लेकिन खेती अब वायबल नहीं है, उस खेती से वो अपने 2 डांग की रोटी नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए कर्जा उठाते हैं, कर्जा चुकाया नहीं जाता, फिर सुसाइड करते हैं। तो हमें कम से कम उस बेचारे किसान के लिए थोड़ी सी कोई नई हवा तो दें, हम उसे कोई नई खिड़की तो खोलें उसके लिए। नहीं नहीं सर, इन लॉज के आने से तो खिड़की नहीं खुली है सर, बंद हुई है। आपके नजरिए की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ अपना मन बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपना मन बता रहा हूँ, आपका मन ठीक है, मैं आई एग्री विद यू, और आप ही लोग हैं जो प्रोटेक्ट, चलो एनीवे लेट अस वाइंड इट अप। चलिए लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, श्री आनंद गुरिये। आनंद जी, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, नमस्कार। I have one question and I have one clarification. Okay. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस बारे में कुछ पूछा गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2018 एंड इट कैन बी द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इंडियन कोर्ट। सो दिस लॉ, द फार्मर्स बिल, इज एक्चुअली इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. That is so clear cut. Okay. Second part, the problem I feel is not with the bill. The problem is with the credibility of government, which has always been in question. Doesn't matter this government or that government. Agree with sir. Many of the laws have been misconstrued and misused. For example, the Urban Ceiling Act, which was supposed to release land in the urban areas, actually reduce land in the urban areas. So effect was exactly opposite, and then 30 years later that law had to be repealed. In the same way, many laws can be seen. For example, the APMC law. APMC law was supposed to benefit the farmer, but in Maharashtra we see that the small farmer, his onions are getting far lower grade than a rich farmer. And in on top of that, the transaction cost, transportation cost, ye wo करके उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है और वो कहीं बेच नहीं सकता है, बिकॉज ही हैज टू सेल इट इन द एपीएमसी। सो इन द सेम वे आई बिलीव दैट इट इज नॉट द बिल पर से, इट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल इसी तरह से इंप्लीमेंट होगा क्या, या और कुछ उसमें से देर विल बी सम लूप होल्स विच वुड बी फाउंड एंड वी विल बी इन अ सिचुएशन वर्स देन व्हाट वी आर टूडे। I'll just give one more example. Here in Mumbai, banks give a loan at about say 18% to 25% annual interest. But the Mathadi Kamgar are people who sell vegetables from place to place. I mean, one place to another, tokri mein leke jaate hain, bechte hain. They take loan from the open market at 200% or 300% per annum rate and do not go to the bank. The reason is, as far as they are concerned, this system of taking the loan in the morning and giving the interest in the evening
and returning the loan every single day is much better system than any system that government or nationalized bank can offer them. So that is why that system has been going on for last 300 years. And we still in modern era do not have answer to that system. So this is my question. What about the credibility and what about the implementation? Are all going to be in future and not today. Okay. Very right. I'm happy that Anand, you have touched a very sensitive part of the entire topic. Now, credibility, we can't do anything about the credibility, but yes, there is a crisis of credibility, perhaps. But then at the same time, I think this crisis are also artificially created. Because, for example, when this citizenship law was amended, CAA, there was a lot of hue and cry in Delhi by a particular section saying that this will happen. So finally, that law now, down the line, after 3 years, now people have started to understand the meaning of it. So mujhe lagta hai sometimes the distortion of narrative is deliberate by some forces and then arouse sentiments in the society. And by the time, why is Modi not holding talks on these three bills? You know, somewhere Modi, as Ashutosh ji very rightly touched in the beginning, ki kya karan hai ki Modi ho sakta hai ki anti-farmer ho sakta hai he will like to destroy the agriculture of the country? I don't think so. But yes, you are right. कि एक परसेप्शन का फॉल्ट है, परसेप्शन की बात है और क्रेडिबिलिटी की बात है. यू हैव टच्ड अ वेरी राइट थिंग एंड वेरी सेंसिटिव थिंग. बट देयर इज अ देयर इन दिस सोसाइटी देयर आर वेस्टेड ग्रुप्स व्हिच ट्राई टू डिस्टॉर्ट द नैरेटिव फॉर द शॉर्ट व्हाइल एंड इन द लॉन्ग रन. आई डोंट थिंक व्हाटएवर बिल्स हैव बीन पास्ड आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट्स आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. Yes, interest of the people changes with the passage of time. As you said, the land tenancy bill was withdrawn. Well, after some time, those bills lose their relevance also. So that is why perhaps the need to revisit the bills after some time, because bills are introduced with a particular purpose for a particular cause for a particular time. They are not for the lifelong kind of thing. Even CRPC, IPC, all these acts are amended according to the times. So your point is very valid and very well taken. But I think common citizens should understand the bills primarily first and then fall in the traps of these wrong narratives. Okay. Well, credibility of the government, you have said, well, that is a different ball game. Okay. We have one more question from Vinay Kumar ji. विनय कुमार उपाध्याय, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ सर, नमस्कार सर. जी नमस्कार. वक्ताओं के विचार से ऐसा लगा कि यह जो बिल है ये किसानों के हित में 100% है, लेकिन जिस तरह से यह मुझे लगता है कुछ मुट्ठी भर लोगों का नुकसान जो हित है वो बाधित हो रहा है क्या? और हतिया लोग जो हैं, मिडिल मैन हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में यह आंदोलन चल रहा है क्या? और जिस दिशा में आंदोलन जा रहा है, क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? कानून व्यवस्था के लिए जिस तरह की समस्या पैदा हो रही है, अराजक स्थिति पैदा हो रही है, तो मुझे तो इसमें दो बातें लग रही है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो है और हतिया जो लोग हैं, मिडिल मैन है, उनका हित बाधित हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में गलत दिशा में यह आंदोलन जा रहा है, और लोकतंत्र के लिए कितना हानिकारक है ये मैं जानना चाह रहा हूं. जी देखिए जी, ऐसा है, अगर आप इस सारे आंदोलन का जो सुपर हेड है, इसको हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली लीड कर रहा है, वो है योगेंद्र यादव. अब योगेंद्र यादव को आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी है उसके हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अभी वो थोड़े दिन पहले CAA प्रोटेस्ट कर रहा था, अब वो अचानक फार्मर बन गया और फार्मर बन के इस फार्मर एजिटेशन को लीड कर रहा है. उपाध्याय जी, आप समझ सकते हो कि सिर्फ योगेंद्र यादव की शक्ल देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फार्मर एजिटेशन जेन्यून है या इनजेन्यून है.
मैं धर्मेंद्र जी की बात को थोड़ा और आगे ले जा धर्मेंद्र जी की बात को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। यूपी से जो टिकैत लीड कर रहे हैं उनका एक अच्छा खासा स्टेटमेंट छपा था कि मुझे 32 साल बाद कुछ काम मिला है, मैं आसानी से घर वापस नहीं जाऊंगा। 32 साल बाद कहते हैं मुझे कुछ काम मिला है, मैं आसानी से घर नहीं जाऊंगा। और जो पंजाब के लीडर हैं, राज्यवाल हो गए या कुछ और लीडर हैं, ये भी मतलब शेड ऑफ सेम थॉट आज इररिलेवेंट हो चुके थे पंजाब की इकोनॉमिक स्टेटमेंट में, इकोनॉमिक ईडियम में, एग्रीकल्चर ईडियम में। बहुत दिनों से छोटे मोटे प्रोटेस्ट करते रहते थे, लेकिन सडनली दे हैव फाउंड अ मीनिंग, सडनली दे हैव फाउंड अ जॉब, सडनली दे हैव फाउंड अ रेलेवेंस फॉर देमसेल्फ्स। तो ये है, मुझे लगता है कि कुछ अनएम्प्लॉयड लोग, और हरियाणा का जहां तक एजुकेशन है विच इज प्योरली पॉलिटिकली लेड, आई एम श्योर फॉर दैट। एक और मैं ऐड ऑन करूंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आप लोग अगर इसको एजुकेशन को फॉलो कर रहे हो तो जो फर्स्ट मीटिंग थी गवर्नमेंट की और फार्म लीडर्स की, तो उसमें पहली डिमांड जो फार्मर लीडर्स की थी वो थी सीएए प्रोटेस्टर्स को रिलीज करना। और फार्मर लीडर्स इस चीज को ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं कि हाँ, हमारी जो पहली डिमांड थी वो सीएए प्रोटेस्टर्स को रिलीज करने की थी, ना कि फार्मर बिल्स के ऊपर डिस्कशन की। ये ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद एक और चीज ऑन रिकॉर्ड है कि मैं जब ये फार्मर जो एक्ट है ये पास हुए, उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत अपना सॉरी राकेश टिकैत स्पेसिफिकली योगी से मिले, योगी आदित्यनाथ से, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का थैंक्स किया कि मेरे फादर महेंद्र सिंह टिकैत का बरसों का सपना पूरा हो गया आज। ये उनकी स्टेटमेंट है जो सभी अखबारों में छपी थी राकेश टिकैत जी की। चलिए एक बस लास्ट कमेंट ले लेते हैं। अनिल मित्तल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा माइक पास कर लीजिए। हाँ जी, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मित्तल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए तब तक कोई और किसी के कमेंट्स हैं तो फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। हाँ जी मदान साहब, डॉक्टर रमेश कुमार मदान, प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए। सर मदान साहब अपने को अनम्यूट कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच श्री अजय भारद्वाज जी, श्री धर्मेंद्र रावत जी। मेरा सवाल, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट आर क्रिएटिंग ए डेडलॉक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट आर क्रिएटिंग ए डेडलॉक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। जो लास्ट पार्लियामेंट सेशन था उसमें मिस्टर रवनीत बिट्टू हैं इनके कांग्रेस के एमपी, अगर आपने उनकी स्पीच सुनी हो पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कि जब तक योगेंद्र यादव है तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट का और फार्मर्स का नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके जो मोदी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर वर्ड यूज किया था आंदोलन जीवी, तो जो परमानेंट आंदोलन जीवी है वो बेसिकली एक अड़चन है जो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा। अदरवाइज गवर्नमेंट रेडी है अमेंडमेंट करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि भी हो सकता है कि मैं या अजय जी गलत हो सकते हैं, इस एक्ट के अंदर कोई कमी होगी, बिल्कुल होगी, जो फार्मर लीडर्स जो उसको कैच कर पा रहे हैं तो वो बैठ के उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, गवर्नमेंट रेडी है उस अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन अगर पर से हम सारे बिल्स को देखें, ओवरऑल देखें बिल्स, तो जो वो फायदे में है फार्मर्स के, और उनको विथड्रॉ करना गवर्नमेंट की गलती होगी, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े जितने भी जो न्यूट्रल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जैसे सरदार सिंह जोहल जी हैं, सरदार सिंह जोहल वगैरह ने सभी ने इस एक्ट की तारीफ की और ये कहा है कि ये एक्ट जो है ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ही बने हैं। ओके
जब तक ये आंदोलन अल्ट्रा कम्युनिस्ट के हाथ में है तब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर जेन्युइन फार्मर्स आगे आएंगे तो 100% इसका रास्ता निकलेगा। गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने को तैयार है, कोई भी रीजनेबल जो इसके अंदर अमेंडमेंट करनी है वो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम जयप्रकाश गुप्ता जी। जयप्रकाश गुप्ता जी आपने कुछ कहना है? आपने हाथ उठाया हुआ है। जयप्रकाश गुप्ता जी आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन? ओके, मुझे लगता है कि शायद नहीं है, वो कहीं दब गया होगा। तो अब इस सारी आज की इस हेलो जी 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 आ रही है मेरी आवाज आ रही है अक्सर सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस चर्चा में भाग लेकर के, और दो विशेष रूप से धर्मेंद्र जी और अजय जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया, मुझे लगता है और अंतिम टिप्पणी जो धर्मेंद्र जी की है कि जब तक ये अल्ट्रा कम्युनिस्ट के हाथ में ये जो भी इसको कहो, उपद्रव कहो, प्रोटेस्ट कहो, जो कुछ भी कहो, मैं तो इसको प्रोटेस्ट भी मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये तो अराजकता है। जब तक इनके हाथ में रहेगा, कम्युनिस्ट की ये प्रकृति है कि वो किसी तरह का समझौता या किसी तरह का कोई सोशल बेनिफिट या देश को कोई लाभ हो ऐसा कुछ वो चाहते ही नहीं, वो तो सदैव संघर्ष में रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल अच्छी ये चर्चा रही है, और सब मैं आपको साधुवाद देता हूँ ऐसी चर्चा करने के लिए। बस मेरा कोई धन्यवाद, सारी बातें जो मैं कह सकता था वो यहाँ कही जा चुकी है। धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस सभा को पूर्ण करने के लिए, कि सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों और हमारे जो दो मुख्य वक्ता आज के रहे हैं उनका धन्यवाद करने के लिए, डॉक्टर रमेश कुमार मदान जो कि हेड है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद हम इस मीटिंग को पूरा करें। डॉक्टर आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, SDHDRT, SD कॉलेज अम्बाला कैंट एवं मैनेजमेंट की तरफ से आज के मुख्य वक्ता श्री धर्मेंद्र रावत जी, श्री अजय भारद्वाज जी, जिन्होंने की बड़े ही सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे में हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पर, लीगल एस्पेक्ट्स पर एवं सभी मुद्दों को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत किया। इसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है जिनके द्वारा हम इनका धन्यवाद अभिव्यक्त करें। इसके साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने संयम से इस सारे वक्तव्य सुना, और किसान बिल जो कि आजकल कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ रेलेवेंस है उसके बारे में सुना और अपनी तथ्य, आशंकाएँ एवं मत के बारे में जानने का अवसर प्रदान हुआ। मैं अपनी तरफ से, अब विभाग की तरफ से, संस्थान की तरफ से उन सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश मदान जी। इससे पहले कि आप सभी लोग मीटिंग को छोड़ें, सभा हम विसर्जित करें, मैंने दोबारा से जो है वो लिंक डाला है चैट बॉक्स में, आप लोग उस लिंक को भर सकते हैं ताकि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मिल जाएं। और निश्चित रूप से ये दूसरा पक्ष जो कभी सामने नहीं आया वो आज हम लेकर के आए हैं। और इससे पहले ये जो द्वितीय भाग था, पहले भाग में हमने सिर्फ यही सुना था कि भाई प्रोटेस्ट क्यों होना चाहिए और ये बिल किस तरह के हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको पसंद हो सकती हैं, नापसंद हो सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो ओपिनियन है और देश सिर्फ ओपिनियन के आधार पर चलाना खतरे से खाली नहीं होता। वो कुछ तथ्य चाहिए, कुछ फैक्ट्स चाहिए, कुछ फिगर्स चाहिए जिससे कि एक बृहत्तर राष्ट्र के शुभ की, उसके कल्याण की हम पॉलिसीज बना सकें, उसके लिए सोच सकें। तो बहुत सारी चीजें थी, इस किसान आंदोलन ने बहुत कुछ हमें भी सिखाया है, बहुत कुछ एहसास कराया
कि किस तरह से कहां से इनको सपोर्ट आ रही थी शुरू में और किस तरह से जो है वो उसको सिविल वॉर में ले जाने धकेलने की भी कोशिश होती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात के लिए गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने बड़े संयम पूर्वक जो है इस आंदोलन को हैंडल किया, और बहुत सारे किसान भी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने बहुत संयम से काम लिया। नहीं तो वहां पे जिस तरह के गाने और जिस तरह के भाषण चल रहे थे वो तो यही लग रहा था कि भाई इस देश से घृणा का वातावरण जो है वो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो चलिए उन सब के बीच में हमने अपनी बात को रखा, समझा। अब बाकी किसी को पसंद है या ना पसंद है वो उनकी अपनी इच्छा है, वो फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है। लेकिन तर्कपूर्ण तरीके से जिस तरह से दोनों वक्ताओं ने बात को रखा है और आप सभी प्रतिभागियों ने अपने सवाल जवाब भी रखे हैं वो तो बाकी प्रशंसा के योग्य हैं। तो मैं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से फिर दोबारा मिलेंगे कुछ अन्य विषयों के साथ। हम फिर अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।